चौथी लहर के पेश नज़र सिंध में और खुसूसन कराची में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हाँ, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था कि कराची में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद हूँ, जो कि शहर की एक मसरूफ़ तरीन शाहराह के तौर पे जानी जाती है। मेरे अकब में इस वक्त आप देख सकते हैं अगर मेरा कैमरे की स्क्रीन पे, कि जो ट्रैफिक है उसकी जो रवानी है वो एक नॉर्मल दिन की तरह है। वो ऐसी नहीं है कि जैसी कि हम लॉकडाउन में देखी हमने, जब कोरोना आया पहला लॉकडाउन जो कराची में लगा उस वक्त ये रोडें ये शाहराहें बिल्कुल सन्नाटे का एक मंजर पेश कर रही थी। लेकिन अब ये लॉकडाउन जो चौथी लहर आई है, डेल्टा वायरस जिसको कहा जा रहा है, भारत का वायरस, जो कि कराची में, खुसूसन कराची की बात करूं शहर कायद की, तो यहाँ पे तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन कुछ दुकानें हम देखते हैं, कुछ कारोबार देखते हैं जो खुला हुआ है, जो कि लॉकडाउन से पहले भी खुला हुआ था, वो अब भी खुला हुआ है। इस वक्त आप अगर मेरी अकब में देख सकें कि ट्रैफिक का वही दबाव है जो कि 5 से 6 बजे के दरमियान नॉर्मली इस शाहराह पे होता है, वही आज लॉकडाउन का पहला दिन है और वही पूरा का पूरा जो ट्रैफिक का दबाव है, चिंची रिक्शा चल रहे हैं। वाराणसी के हमें कोई अभी तक बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चलती हुई नहीं दिखाई दी, जिसमें मिनी बसें और दीगर बसें होती हैं, लेकिन रिक्शा चल रही हैं, चिंची रिक्शा चल रहे हैं और आवाम की भी वही बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है यूनिवर्सिटी रोड पे। जो ट्रैफिक का दबाव है वो एक नॉर्मल दिन के लिहाज से ही चल रहा है, कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा कि कराची शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जबकि जो वज़ीर आला सिंध की तरफ से दावा किया गया था, वो ये दावा किया गया था कि इस वक्त नाका मेरे सीधे हाथ पे पुलिस का लगा हुआ है, कि नाकों पे बाकायदा चेकिंग होगी, बाकायदा रोक के आवाम के वैक्सीनेशन कार्ड चेक किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको दिखा सकूँ, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि इस वक्त नाके में ट्रैफिक पुलिस एहलकार यकीनन ट्रैफिक को रवा दवा करने में तो मौजूद हैं, लेकिन किसी भी शहरी का ना ही वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया जा रहा है, ना ही किसी शहरी को रोक के ये कहा जा रहा है कि भाई साहब लॉकडाउन है, आप कहाँ निकले हुए हैं।